गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम ब्रिजेश, योर सब्जेक्ट टीचर ऑफ मैथ। आज आपको देखिए फिर से मैथ पढ़ाया जाएगा। इसमें होमवर्क आप मैंने आपको दिया था, ये एक्सरसाइज, ये था 1E का ही, पेज नंबर 6 पर, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपको दिया था होमवर्क में। अब इसी के बाद इसी क्वेश्चन आ जाता है आपका, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता था। अब इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसमें और असेंडिंग ऑर्डर का ठीक अपोजिट। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट था, इसमें क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 438, 519, 284, 209, 290 एंड 765। अब इसको क्या करना है, आपको नोटबुक निकालेंगे आप, नोटबुक में आपको लिखना है। देखिए कैसे नोटबुक में, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है। पहले आप लिखेंगे एक्सरसाइज 1E पेज नंबर 6, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसमें देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी 438, 519, 209, 290 और 765, ये है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारे पास, 765। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 765, फिर 519, फिर क्या होगा, 438, फिर 290 और 284, फिर इसके बाद 209। अब देखिए नेक्स्ट में बी वाले में 356, 275, 194, 419 और 653, 527। इसमें देखिए सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारे पास, 653। यहाँ क्या लिखेंगे, 653, फिर कॉमा लगा दिया, इसके बाद देखिए 527, इसके बाद 419, 356, 275, फिर 194, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब आपको सी डी और ई, ये देखिए ये आपको होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।